नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। यूपी में गोरखपुर, जो कि लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर है, इस शहर में स्मैक का धंधा करने वाली एक महिला जिसका नाम किशन कुमारी, जिसे फिर पंडिताइन के नाम से जाना जाने लगा। ये महिला स्मैक की डिलीवरी अपने शहर से दूसरे शहरों में भी करती थी, इम्पोर्ट भी करती थी, एक्सपोर्ट भी करती थी। कई लोगों से इसका उठना बैठना होने लगा। गोरखपुर के शाहपुर इलाके की ये रहने वाली पंडिताइन कई शहरों में स्मैक बेचने लगी, यानी कि ड्रग्स का धंधा करने लगी। थाने में हिस्ट्री शीटर नंबर 86A के नाम से महिला पर मामला दर्ज है। लंबी चौड़ी इस पे FIR, कई आरोप लग चुके हैं। गोरखपुर में स्मैक की शुरुआत इसी महिला ने की थी, यानी कि गोरखपुर के आसपास के जो इलाके हैं, जो दूसरे शहर हैं, ये गोरखपुर से वहाँ भी स्मैक बेचती थी और अपने गोरखपुर के आसपास वाले इलाकों में भी बेचने लगी। धीरे धीरे इसका बिजनेस एक्सपैंड होने लगा, कई लोग इसके उठने बैठने में आने लगे, कई माफिया गुंडे ऐसे लोग इसके कॉन्टैक्ट में आने लगे। दरअसल शुरुआत तब हुई जब इस महिला की, यानी कि पंडिताइन के पति की मौत हो जाती है। उसके बाद इसे लगने लगता है कि धंधा कैसे किया जाए, पढ़ी लिखी है नहीं तो काम भी कैसे किया जाए। तब जाकर ये इस धंधे में आने लगती है और ड्रग्स बेचने का काम शुरू करती है। पहले तो छोटी क्वांटिटी में बेचती थी, फिर धीरे धीरे इसका बिजनेस एक्सपैंड होने लगा। कारोबार में इसने अपनी बेटी को भी शामिल किया, बेटी की शादी हो गई तो दामाद को भी शामिल किया, जो दूसरी बेटियां थी उनको भी शामिल कर लिया, यानी कि पूरा पारिवारिक माहौल बना के ये लोग ड्रग्स बेचने लगे। इसके बाद शाहपुर में रहकर कई शहरों में यहीं से ड्रग्स की सप्लाई होने लगी। इसका नाम पंडिताइन के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा। जिसको ड्रग्स चाहिए थे गोरखपुर में, वो पंडिताइन को ही कॉल करते थे। कई इसने टपरी लड़के भी अपनी इसमें रख लिए थे, जो उनसे कॉन्टैक्ट करते जहाँ पर माल डिलीवर करना है तो वही लोग करते। पंडिताइन पर कई थानों में मामलात दर्ज किए जा चुके हैं। टोटल 15 मामला इस महिला पर दर्ज है और ये खुलेआम धंधा करने लगी। 35 साल तक इस महिला ने यही धंधा किया, और क्योंकि किसी की शह मिलने के बाद ही इतना खुलेआम धंधा किया जा सकता है। बताया गया कि दीवान के साथ इसने पूरा धंधा चलाया, उसकी देखरेख में धंधा चलाया गया, जिसके बाद ना ये किसी की पकड़ में आई और ना ही इसके ऊपर छापा मारा जा सका। 2015 में महिला 26 लाख के स्मैक के साथ मिली थी, यानी कि इसके पास 26 लाख का माल था जब इसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने महिला की 13 करोड़ की संपत्ति को भी जब्त कर लिया है। अब 13 करोड़ इसने कैश तो रखा नहीं था, इसने एक घर खरीदा। उस घर में उसने इतने पैसे लगाए, 3 मंजिल का ये घर था, लेकिन इसने शातिरता यहाँ पे दिखाई। ये घर उसने अपनी बेटी और दामाद के नाम पर खरीद रखा था। जब पुलिस को पता चला तो गोरखपुर के DM के आदेश के बाद इस संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत 1300 से भी कुछ ज़्यादा आंकी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। महिला की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री शीट थी, जो इसने पुलिस की साठ गार्ड की मदद से बंद करवा लिया था, लेकिन जब इसे गिरफ्तार किया गया था तब वो हिस्ट्री शीट फिर से खोली गई, यानी कि 31 अगस्त 2022 को इसकी हिस्ट्री शीट फिर से खुलती है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा सुनवाई की जाती है, मामले की और जांच पड़ताल की जाती है। क्योंकि इसके पास जब ये आखिरी बार इसे पकड़ा गया था तब 26 लाख का स्मैक मिला था। ये तो वो है जो ऑन रिकॉर्ड्स बताया गया है। इसके अलावा इसका माल कहाँ पड़ा था, किसी और के पास था या कोई और भी संपत्ति थी, वो बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और जब इसको पकड़ लिया गया, इसकी हिस्ट्री शीट खोल दी गई, तब पुलिस ने इस माफिया क्वीन की कहानी पर दी एंड का फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये थी इस पंडिताइन की कहानी कि कैसे इसने शुरुआत की। पति की मौत के बाद इसने स्मैक का धंधा चालू किया, उसके बाद बेटियों को भी इसी में लगाया, अपने दामाद को भी इसी में लगाया, दूसरी बेटियों को भी इसी में लगाया, यानी कि इसने अपने साथ साथ अपनी बेटी, अपने दामाद और बाकी के बच्चों की ज़िंदगी खराब कर ली। तो इस कहानी से आप ये ज़रूर सीखिए कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को भी इसी धंधे में लेकर आती है, वरना इसके अलावा अगर वो उन्हें कोई ऐसी शिक्षा देती जिससे वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाते। अगर यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि लोग कहने लगते हैं जब गरीबी होती है तो उसके बाद कोई भी धंधा हो इंसान वही करने लगता है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी कहानी है वो ये भी है कि कई ऐसे गरीब बच्चे, कई ऐसे गरीब परिवार के लोग IAS भी बनते हैं, DM भी बनते हैं। तो वो दोनों कहानी के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन जो गलत है
उसको गलत ही कहा जाएगा। तो ये थी इस माफिया क्वीन पंडिताइन की कहानी। आप अगर कोई ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं, कोई नाम आपको पता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उस कहानी पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे, एक एपिसोड बनाएंगे। फिलहाल इस कहानी में इतना ही।